सिद्धार्थनगर में आज कारागार मंत्री जय कुमार सिंह उर्फ जैकी पटेल ने अचानक जिला जेल का निरीक्षण किया। सर्वप्रथम जिला जेल में पहुंचकर गार्ड ऑफ ऑनर लिया, उसके पश्चात जिला जेल के अंदर जाकर जेल का भ्रमण किया और बैरक नंबर 4 में जाकर कैदियों से मुलाकात की व उनकी समस्याओं को जाना। सभी कैदियों ने कारागार मंत्री को अपने बीच पाकर खुशी जाहिर की और मंत्री से सभी कैदियों ने अपनी अपनी समस्याओं को बताया। मंत्री ने उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द निवारण करने का आश्वासन दिया है। एक कैदी ने जेलर के सामने ही मंत्री से कहा कि साहब, जेल के अंदर भ्रष्टाचार और महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसको कम करवा दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सिद्धार्थनगर से दीप कुमार यादव की रिपोर्ट। हम पिछले 13 साल से जेल काट रहे हैं, आपकी मार्च को 13 साल पूरा हो जाएगा। मैं मंडल कारागार फैजाबाद से आया हूँ। सर, यहाँ पे अब आज इतने दिन से जेल काट रहा हूँ, कभी भी मेरी बैसाखी नहीं जमा होती थी। मुझे नेत्र क्रिया, पेशाब वगैरह करने के लिए कभी कोई बैसाखी हमारी जमा नहीं होती थी, कभी कोई लफड़ा नहीं हुआ है। अब प्रेजेंट में किसी से कोई झंझट नहीं, तब भी मेरी बैसाखी जमा होने लगी और उसके बावजूद मुझे अब रात में पेशाब करने के लिए या लेटरिन जाने के लिए हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है और जहाँ तक कि मेरी मुलाकात वगैरह भी नहीं आती है। और हमें तो हो सकता है मशीनें मिल सकती है, ठीक है, उस पर मैं कहता हूँ ठीक है, ये व्यवस्था तुम्हारी की जा सकती है। अगर बैसाखी नहीं रहती तो पैर और हाथ तुम्हारे दोनों पर है। नहीं सर, पैर मेरा ठीक नहीं है वो। अच्छा, दूसरा बनवाना चाहते हैं? कोई ठीक नहीं है, नहीं है तो बताओ, दूसरा बन जाएगा। हाथ और पैर दोनों के लिए आप अपना दे सकते हो, अधिकारी आएंगे, तुम्हारा नाप ले जाएंगे और ये तुम्हारा मानवीय दृष्टिकोण से ये काम तुम्हारा ये कराया जा सकता है। पैर है सर, ना इसको मैं लगा के लेटरिन जा सकता हूँ, ना फट्टे पे बैठ सकता हूँ, तो हमें पैर ना दे करके बसरते हमें सेंट्रल जेल ट्रांसफर कर दिया जाए, जिससे कि हमारी जीविका चले, हमें कभी कदार सब्जी भी मिल जाया करे खाने के लिए, कभी कदार मुझे तेल साबुन मिल जाया करे, चड्डी बनियाइन मिल जाया करे, इन सब चीज़ों की मंजन तक के लिए हमें यहाँ प्रॉब्लम है, हमें सेंट्रल जेल कर दिया जाए, बड़ी महान कृपा होगी सरकार। तुम्हें अच्छे सामान मिल जाया करेंगे जब तक नहीं होता है, लेकिन बाकी तुम दे दोगे इसका भिजवाज करवा दिया जाएगा सेंटर जेल, लेकिन जब तक नहीं है तुम्हारी ये भी सर, ये कहना चाहता हूँ आगे से सर, आगे सर जाओ वर्तमान में और सर उत्तर प्रदेश की जेलों में भ्रष्टाचार और महंगाई चरम पर है सर, इस पर काबू पाया जाए सर। हम लोग जेल में निरुद्ध हैं, तो सर जेल की महंगाई जो है उसे कम कर दिया जाए सर, जिससे हम लोगों का जीविका चले सर। कोई पैरवी करने वाला नहीं है, महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है सर, इस पर काबू किया जाए सर, बस इतना ही कहना चाहता हूँ सर, कुछ आश्वासन दे दिया जाए सर। आज जेल में आने के बाद इसका निरीक्षण किया, जेल में देखा कि जेल के हालात स्थिति कैसी है, और एक बैरिक में भी गए थे, देखा वहाँ बंदियों से पूछताछ किया। हम लोगों ने यहाँ एलईडी लाइटें, एलईडी टीवी लगवाई है जेल के अंदर है, और भी चीज़ें जो भी व्यवस्था है, आरओ के प्लांट लगे हैं, ये है जेल के। एक आने पर एक औचक निरीक्षण था और उसमें जो भी चीज़ें मिली हैं उसको देखा है और जो चीज़ें कमी हैं उनके लिए अधीक्षक को निर्देशित किया है कि वो चीज़ें व्यवस्था ठीक रखें। बंदी एक विकलांग बंदी था, उसके लिए मैंने कहा है कि यहाँ जिले के अधिकारियों से कि उसके पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, तो उसके लिए मैंने भेजा है और उसे हम लोग करवाएंगे। भ्रष्टाचार की बात कर रहा है कि जेल के अंदर महंगाई बहुत है, भ्रष्टाचार नहीं नहीं उसमें अपने घर की बात कर रहा था कि घर में महंगाई है, भ्रष्टाचार की बात, तो भ्रष्टाचार देखिए जब जेल के अंदर भ्रष्टाचार की बात नहीं होती है, बात में आदमी को ये लगता है, जब आदमी लंबे समय तक जेल के अंदर रहता है तो उसको ये लगने लगता है कि ये चीज़ें जेल से, ज़्यादातर बंदियों की यही इच्छा है कि मैं जिस जेल से आया था, जब ये जेल खुली थी तो इसके बाद लोग वापस जाने के लिए बात कर रहे थे,